नाजरीन फाइन टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के साथ मैं हूं अली हसन। मुस्लिम लीग नून के साबिक वजीर खजाना इसहाक डार और मुस्लिम लीग नून ही के मौजूदा मुशीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की माशी पॉलिसियों और IMF के साथ मुजाकरात के एजेंडे के हवाले से खलीज बढ़ती जा रही है। मुस्लिम लीग नून के जिम्मेदार जराए के मुताबिक सेनेटर इसहाक डार मिफ्ता इस्माइल के IMF से मुजाकरात के हवाले से शदीद तंकीद कर रहे हैं। इसहाक डार का कहना है कि IMF से मुजाकरात इमरान हुकूमत के एजेंडे के बजाय नए सिरे से होने चाहिए। इसहाक डार समझते हैं कि IMF से मजीद कोई कर्जा नहीं लिया जाना चाहिए और मुल्क को IMF से मजीद $2 अरब लेने के बजाय ऐसी पॉलिसियां बनानी चाहिए कि ना तो IMF से मजीद कर्जा लेने की जरूरत पड़े और ना ही IMF पाकिस्तान की हुकूमत को क्या करना है और क्या नहीं करना इस हवाले से कोई डिक्टेशन दे सके। दूसरी तरफ जराए का ये भी कहना है कि इसहाक डार डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मजीद कमी के हक में नहीं। इसहाक डार का मानना है कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 160 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इनका कहना है कि ऐसे तरीके मौजूद हैं कि जिन पर काम करके डॉलर के मुकाबले में रुपए को मजबूत किया जा सकता है, जबकि मौजूदा मुशीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का मानना है कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मार्केट के मुताबिक होनी चाहिए। याद रहे कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे के बाद इसहाक डार ने भी खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार कर ली थी तो इस वक्त मिफ्ता इस्माइल ने वजारत खजाना का कलमदान संभाला था। उस वक्त भी मिफ्ता इस्माइल ने हुकूमत में आते ही रुपए की कदर में कमी कर दी थी और इसहाक डार की माशी पॉलिसियों से सख्त इख्तलाफ किया था। जराए का कहना है कि इसहाक डार कहते हैं कि रुपए की कदर में कमी से मुल्क पर कर्जों का बोझ और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जबकि बरामदात में भी कोई खास इजाफा देखने में नहीं आता, जिसकी वजह से मुल्क की मईशत को शदीद झटका लगता है। जबकि दूसरी तरफ मिफ्ता इस्माइल समेत इमरान हुकूमत के भी तमाम वज़ीरे खजाना रुपए की कदर में कमी के हामी रहे हैं। इनका मानना रहा है कि रुपए की कदर में कमी से मुल्क की एक्सपोर्ट में इजाफा होता है, लेकिन हकीकत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है और इसहाक डार की थ्योरी के ऐन मुताबिक नजर आती है, जिसके तहत मुल्क की एक्सपोर्ट में कभी कोई ऐसा इजाफा देखने में नहीं आया कि जिसकी बुनियाद पे ये कहा जा सके कि रुपए की कदर में मजीद कमी की जाए।